नमस्कार, हडको किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू की कचौड़ी। यह बिहार में बहुत ही फेमस डिश है। इसे हम इसे लिट्टी भी बोल सकते हैं, इसे सत्तू कचौड़ी भी बिहार में बोला जाता है। आइए हम बनाने चलते हैं। एक कटोरी मैदा ले लिया है, आप इसकी जगह आटा भी यूज कर सकते हैं। इसको अलग बर्तन में रख ले। इसका पहले मैं डो तैयार कर लेती हूँ। इस पे मैं अब ऐड करूँगी अजवाइन मंगरेला, नमक, हल्का नमक डालेंगे और थोड़ा सा खावर सोडा, और इसमें 2 चम्मच के करीब रिफाइन तेल डालूँगी कि कचौड़ी थोड़ा खास्ता हो। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे एकदम, और इसमें हल्का हल्का पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। मैदा ज़्यादा पानी नहीं सहता, इसलिए हल्का हल्का डाल के ही इसका डो तैयार कर ले। देखिए इस तरीके से डो तैयार हो गया। अब मैं इसे फूलने के लिए कुछ देर के लिए रख दूंगी। तब तक मैं इसका सत्तू तैयार कर लेती हूँ। एक प्लेट सत्तू ले लिया है, आधा नींबू, अदरक को मैं काट लिया है छोटा छोटा टुकड़ों में, और हरी मिर्च इसको भी काट लिया है, 2 हरी मिर्च है, लहसुन है 5-6, उसको भी छोटा छोटा टुकड़ा में काट लिया है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, और मैं यूज कर रही हूँ इसमें अचार का मसाला, जो थोड़ा खट्टी हो, और चॉप किया हुआ प्याज 1। अब मैं इसका सत्तू तैयार करती हूँ। सत्तू अलग प्लेट में डाल दिया है, इसमें जितना भी सामान लिए हैं सब डाल देंगे। प्याज है, ये अदरक डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च और लहसुन, इसमें नमक और अचार का इसमें जो मसाला लिया है वो थोड़ा सा डाल देंगे, इससे फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। और आधा नींबू है उसको निचोड़ देंगे सबको अच्छे से। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया है। अब आटा भी ये फूल के तैयार हो गया है। अब मैं इसका कचौड़ी बनाऊँगी। छोटा छोटा मैं इसका अब लोई काट लूँगी। इस तरीके से छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेंगे। मैदा को फैलाने में नहीं बनता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा इसको बेलन से बेल लेंगे कि अच्छा से ये बन सके कचौड़ी। इस तरीके से बेल के बना ले मैदा का कचौड़ी। अब मैं इसमें जो मसाला तैयार की हूँ सत्तू का, वो डाल देंगे। इस तरीके से कवर कर देंगे। देखिए कितना आसान है, अच्छे से कवर कर देंगे क्योंकि तलने के समय ये फटे नहीं। ओके, इसे बेले नहीं, हल्का हाथों से इसे दबा दे। सारे लोई को इसी तरह मैं बेल के इसमें अंदर सत्तू भर के बना लेंगे।
तरीके से, है ना, आसान रेसिपी, इजी। बिहार में तो फेमस है लिट्टी चोखा। बिहार आए और लिट्टी चोखा खा के ही जाए, बिना खाए हुए नहीं जाए। देखिए सारा सत्तू मैं इस तरीके से भर ली हूँ इसमें कचौड़ी में। अब इसका मैं फ्राई करूँगी इसको। तेल गर्म होने के लिए डाल दिया था पहले से, अब सारे कचौड़ी को इसमें डाल देंगे। आँच को लो पे ही रखें, ज़्यादा हाई नहीं करें, इसे धीरे धीरे फ्राई होने दें। बहुत ही टेस्टी बनती है इसे। अब मैं इसको पलट दे रही हूँ, देखिए हल्का हल्का गोल्डन हो गया हुआ है एक तरफ से। अब ये थोड़ी देर में बन जाएगी। अब इसे छोले के साथ, बैंगन का चोखा हो, मीठी चटनी हो, चाय या ये सब के साथ आप इसे सर्व कर सकती हैं, खा सकती हैं। बारिश के दिनों में तो ये सब खाना तो बनता है। अब ये दोनों तरफ हो गया, देखिए कितना फुला फुला कचौड़ी बना है। अब इसे अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे। देखिए कितना अच्छा बन गया हुआ है खास्ता कचौड़ी दोनों तरफ। देखिए कितना आराम से ये टूट भी गया है। अब मैं इसे मीठी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, है ना, मज़ेदार रेसिपी खास्ता कचौड़ी। बिहार का फेमस है ये डिश। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं कि कैसा बना है मेरा डिश, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।